मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी के युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 22,000 शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस साल 1,00,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछली सरकार ने गलत किया था। भाजपा की सरकार ने उसको सुधारा है, इसलिए पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो 15 महीने के दुर्व्यवस्था का जो दौर था, जो दिग्विजय सिंह के इशारों में सरकार चलती थी, जिसमें सिर्फ सपने दिखाए जाते थे, छल किया जाता था, उसको भाजपा की सरकार ने सुधार किया है। नवीन नियुक्ति के जो आदेश आज जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 11,885 स्कूल शिक्षा विभाग में और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और 1,00,000 पदों पर नौजवानों को, युवाओं को अवसर देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में एक प्रभावी कदम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, और आज हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय, आज ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। एक बात और मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 15 महीने का दुरावस्था का जो दौर था, चलो चलो के रास्ते पर चलने वाली सरकार थी, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी, वो युवाओं को उन्होंने कहा था पिछली सरकार ने जो गलत किया था उसका सुधार करते हुए, कि जो टीचरों के पहले जो नियुक्ति के मामले में 70% पहले साल और फिर बाद में वो 4 फेजेस के अंदर उन्हें 100% सैलरी तक ले जाने का जो एक दिखा दिखा करके लोगों को इस प्रकार से बात करके कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली सरकार ने गलत किया था, लोगों के साथ छल जैसी भावना के साथ जो काम किया था उसको सुधार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी